मंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में पेश कर अंतरिम बजट। प्रदेश में 70,000 पदा में नई भर्ती करवारी करी घोषणा। राज्य में सड़कों विकास खातर 1500 करोड़ रूपया करी गई घोषणा। श्रील प्रभुपाद जी 150वीं जयंती माथे नई दिल्ली रा भारत मंडप में राख्या गया कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर संबोधित। कहो नुआ भारत में विकास रे साथ विरासत रा भी होवे है दर्शन। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2024 खातर अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र भरवारो काम हुयो शुरू। 15 फरवरी ताई भरिया जा सकेला नामांकन पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की करी घोषणा। नीतिगत दर में नहीं करो कोई बदलाव। और टोंकरी बनास नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस कानीसू करेगी कार्रवाई। 17 डंपर और 1 लोडर करो गयो जब्त। बनेटा पुलिस थाना अधिकारी समेत 2 पुलिसकर्मी भी कर गया लाइन हाजिर। नमस्कार, सिंजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। वित्त मंत्री दिया कुमारी आज विधानसभा में अंतरिम बजट पेश करता थका प्रदेश में 70,000 पदा माथे नई भर्तियां करवारी घोषणा करी है। वणा कहो कि आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कानीसू सालाना भर्ती कैलेंडर जारी करो जावेलो। प्रदेश में लाडो प्रोत्साहन योजना तहत गरीब परिवार टाबनारा जन्म माथे 1 लाख रुपया सेविंग बॉन्ड भी दियो जावेलो। लखपति दीदी योजना तहत 5 लाख परिवार की आय ने 1 लाख रुपया ताई बढ़ायो जावेलो। गरीब परिवार और सीमांत कास्तकार टाबरा ने केजीसू पीजी ताई निःशुल्क शिक्षा देवारी घोषणा करेगी। चीनी और गुड़ माते मंडी टैक्स ने भी खत्म करो जावेलो। आवन वाला वर्ष भविष्य के प्रति आशंका के कारण असुरक्षा व तनाव से ग्रस्त रहता है। ऐसे में युवाओं को संबल प्रदान कर उनके रोजगार के अत्यधिक अवसरों का सृजन करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। इस क्रम में युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बटई 5,000 सुबत्ता घर में सोलर प्लांट लगावारो लक्ष्य राख्यो गयो है। बजट में सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ संयंत्र लगारो भी प्रावधान करो गयो है। प्रदेश री अर्थव्यवस्था ने मजबूत करवा खातर राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स रा गठन री भी घोषणा करी गई है। जरूरतमंद व्यक्ति को कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से पूर्व में दिए जा रहे 450 ग्राम भोजन की मात्रा को बढ़ाकर श्री अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से 600 ग्राम भोजन देने का निर्णय किया है। प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही फॉसिल फ्यूल्स की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने हेतु इंटरस्टेट के साथ साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश रा अंतरिम बजट माथे और बत्ती जानकारी खातर चालो बात करा हका आला खबर नवीस मनीष गोदा जी सू। मनीष जी, हाँ नमस्कार। मनीष जी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार। हाँ बिल्कुल जी, आ रही है। मनीष जी आज जको विधानसभा में अंतरिम बजट पेश हुयो है बीरी काई काई खास घोषणा में है जका दर्शक जानबो चाहवे आपसू। देखिए जो प्रमुख घोषणाएं की गई हैं आज के बजट में काफी कुछ तो आपने भी बता दी है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं और यूथ पर काफी फोकस किया गया है इस बजट में जी। महिलाओं के लिए लाडली सुरक्षा योजना और लाडो प्रोत्साहन योजना और हर थाने में महिला हेल्प डेस्क, एंटी रोमियो स्क्वाड, क्योंकि महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था राजस्थान के चुनाव में, तो इसको एक बड़ा फोकस किया गया है महिलाओं की सुरक्षा पे। और इसके साथ ही बच्चियों के लिए 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड और
और दूसरी कई घोषणाएं भी हैं जो महिलाओं के लिए हैं। इसके अलावा यूथ पर भी काफी फोकस किया गया है, युवाओं पर काफी फोकस है। 70,000 नई भर्तियां, सरकारी भर्तियां करने की बात कही गई है, जो कि अपने आप में एक साल में यदि सरकारी भर्ती होती है तो बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा जो आरपीएससी और चुनाव कर्मचारी चयन आयोग है, उसका भर्ती कैलेंडर को सही करने की बात कही गई, क्योंकि ये युवाओं की एक बहुत बड़ी डिमांड थी बहुत पहले से। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, मतलब राजस्थान में आधारभूत ढांचे की बात करें, तो जयपुर में हाईटेक सिटी बनाने की बात कही गई है। ये जयपुर के लिहाज से भी और पूरे राजस्थान के लिहाज से एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण मनीष जी, घोषणा मानी जो जाती है, क्योंकि मेट्रो रेल रा विस्तार की जकी घोषणा हुई है, बीका बारे में कहीं जानकारी है दर्शकों खातर? मेट्रो रेल के लिए एक इम्पोर्टेंट घोषणा है जयपुर के लिए। जयपुर में अभी तक मेट्रो का एक ही फेज चल रहा है, जो कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ तक चलता है। सरकार ने एक नई घोषणा की है कि जो अंबाबाड़ी से टोंक रोड से अंबाबाड़ी के मेट्रो रेल के लिए एक डीपीआर तैयार की जाएगी। हालांकि इसके प्रयास पहले भी हुए हैं, लेकिन अब चूंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस काम पर, इस योजना पर बहुत तेजी से काम होगा। और यदि ये मेट्रो का रूट बनता है तो जयपुर में जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है उसको सुलझाने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। तो ये जयपुर के लिहाज से एक इम्पोर्टेंट घोषणा है। और इसके ईआरसीपी अलावा जो, हाँ, ईआरसीपी के लिए भी, चूंकि अब ईआरसीपी का समझौता हो गया है और सरकार ने उसके लिए जो फंड है उसकी बात कही है, और ये कहा है कि जो स्टेट शेयर है, मतलब अब चूंकि 90% पैसा, 90% पैसा केंद्र सरकार दे रही है, तो अब जो सिर्फ 10% पैसा सरकार को देना है, तो सरकार ने वादा किया है कि जो भी स्टेट शेयर है वो हम बहुत जल्दी ही रिलीज कर देंगे, ताकि इसका काम मनीष तेजी जी, से बने। और ईआरसीपी ईआरसीपी रो चूंकि दायरो भी बढ़ाए हो गए ईआरसीपी के लिए है, इम्पोर्टेंट, जी ये रो दायरो भी बढ़ाए हो ईआरसीपी गए को है। दायरा बढ़ाया गया है। हाँ, बी के बारे में कहीं जानकारी है हाँ, आपको? ईआरसीपी का दायरा भी बढ़ा है। जी ईआरसीपी का दायरा देखिए, पहले से ईआरसीपी जो 13 जिलों के लिए थी, हालांकि अभी भी राजस्थान में तो उसी हिसाब से, लेकिन इसको उसको पार्वती, कालीसिंध और चंबल नदी से जोड़ करके, एक मतलब नदी जोड़ो जो परियोजना थी केंद्र सरकार की, उससे इसको जोड़ा गया है। और राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश भी इससे जुड़ा हुआ है, तो एक पूरा दोनों प्रदेशों का एक मिला जुला प्रयास रहेगा, और राजस्थान के लोगों को ज्यादा पानी भी मिल सकेगा और ज्यादा बेहतर सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी इससे। तो ये एक इम्पोर्टेंट घोषणा है राजस्थान के लिहाज से। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी जी जानकारी खातर। अब रुख अगली खबर रो। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल कहो कि विद्यार्थियों सु जुड़ोड़ी भर्तियां रो विषय हो, कास्तकारारी एमएसपी बढ़ावा, सड़क तंत्र या फेरू सफा खानारी व्यवस्था वाली बात हो, आ सबने पूरा करता तका अंतरिम बजट में कई संकल्प पूरा कराया गया है। बटे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बजट ने लेर कहो कि डीजल और पेट्रोल का दाम कम नहीं कराया गया। एक समृद्ध और विकसित राजस्थान की आधारशिला को रखते हुए हर वर्ग को, राजस्थान के हर क्षेत्र को किसी न किसी रूप में कैसे समृद्ध और विकसित किया जाना वाला है, और जब तक फाइनल बजट जुलाई में आने वाला है उसके दौरान एक राजस्थान की आम आवाम को विकसित और समृद्ध राजस्थान का विजन देने हेतु अंतरिम बजट के रूप में दिया गया है। विद्यार्थियों से संबंधित भर्तियों का विषय हो, काश्तकारों को एमएसपी बढ़ाने, प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान निधि में राजस्थान का हिस्सा देना हो, रोड और सड़क तंत्र के लिए राशि की व्यवस्था करनी हो, अस्पतालों में जो व्यवस्था हुई उसको ठीक करना हो, और हम कैसे अपने संकल्प को पूरा करें, उन संकल्पों को पूरा करने की आधारशिला भी रखी है। अनेक संकल्प पूरे किए हैं, गैस सिलेंडर का विषय हो, एमएसपी बढ़ाने का विषय हो, टास्क फोर्स घोषित करने का हो, पेपर लीक का विषय हो, इन सब के सब में सशक्त कार्रवाई की है, और आने वाले समय में इसके परिणाम भी आपको मिलेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा, ये लोग कह रहे थे राज में आते ही डीजल पेट्रोल के ऊपर जो सेस है उसको हम हटाएंगे, लेकिन इन लोगों ने नहीं हटाया, जिसके लिए उम्मीद कर रहे थे सब लोग, बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि
कि आज डीजल पेट्रोल पे जो सेस वेट जो लगा हुआ है उसको सरकार कम करेगी, लेकिन उसको कम नहीं किया। इन्होंने कहा है कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो 15% पैसे बढ़ाएंगे, तो ये तो हमने कानून ही पारित कर दिया, मिनिमम इनकम गारंटी का कानून पारित करके, और हमने बजट में घोषणा की थी कि भाई ये 15% ऑटोमेटिक हर साल जो है वो वृद्धि हो जाएगी, चाहे वो पेंशन की बात लो, चाहे आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जो बात थी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की, उनमें जो बजट में बढ़ोतरी की गई है वो तो हमारी सरकार का किया हुआ काम है। इन्होंने नया कुछ भी नहीं किया है। पेट्रोल और डीजल की बार बात करते थे कि राजस्थान का पेट्रोल और डीजल बहुत महंगा है, आज उसमें 1 रुपये की किसी तरीके की कोई छूट देने का इन्होंने कोई प्रावधान रखा नहीं है, कोई बात कही नहीं है। वित्त मंत्री दिया कुमारी कानेसू पेश कराया गया अंतरिम बजट ने लेर जयपुर में आए आम लोग भी आपरी प्रतिक्रियावां दीनी है। लोग अंतरिम बजट ने समाज रा सगला वर्गा खातर हितकारी बतायो है। मैं ये समझता हूँ कि ये सरकार के प्रशासनिक पकड़ और आर्थिक पकड़ दोनों को पेश करता है, और एक अच्छा बजट जो विकास का बजट है और एक राहत भरा बजट भी है, साथ के साथ एक सिटी बनाने की इन्होंने जयपुर के पास घोषणा की आईटी के लिए, तो मैं ये समझता हूँ ये सिटी की बहुत टाइम से ज़रूरत थी और डिमांड भी थी, और बाहर की जो बड़ी आईटी कंपनियां उनका भी कहना था कि अगर अलग से सिटी बनके और उसमें सुविधाएं मिले तो बहुत सारी कंपनियां आएगी, तो इससे हमारे प्रदेश के अंदर डेफिनेटली रोजगार भी मिलेगा और एक फंड भी अच्छा आएगा। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उनका एक डायलॉग हुआ करता था कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास और हम सबका कल्याण, ये बजट वाकई ही इन पंक्तियों पर लागू होता है। कलाकारों का बजट आज तक किसने देखा, बट इस बजट में पेश किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स जो गली में आते हैं उनकी पेंशन योजना का जो बजट है वो आज तक हमने कहाँ देखा है, बट इस बजट में ऐसी ऐसी छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देकर ये बजट तैयार किया गया है। श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का सपना है उसमें 4 चांद लगेंगे। पूरे राजस्थान में सभी चीज़ों का इन्होंने हर वर्ग का भी ध्यान रखा है, धार्मिक स्थलों का ध्यान रखा है, पर्यटन का ध्यान रखा है, युवाओं का ध्यान विशेष कर रखा है, महिलाओं का विशेष कर ध्यान रखा है, तो ऐसा बजट एक अच्छा बजट है। बस इनसे हम एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इसको मूर्त रूप में लाएँ। हाँ, ये बजट शिक्षा चिकित्सा किसान और महिला को समर्पित बजट है। बजट काफ़ी अच्छा है और हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं ये जो 5 साल का काल आ रहा है राजस्थान के लिए स्वर्णिम काल होगा, इसमें बहुत प्रोग्रेस इसलिए होगी, डबल इंजन सरकार लगेगी। हेल्थ में जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को 5,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये राशि देने का ऐलान किया गया है, 1,00,000 रुपए का बॉन्ड देने का ऐलान किया गया है, ये बहुत ही वेलकम स्टेप्स हैं। एजुकेशन के अंदर में फीस फ्री एजुकेशन किया गया है गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर में, 1,000 रुपए उनकी नीड्स बुक्स एंड बाकी सारी नीड्स को मीटअप करने के लिए दिया जा रहा है, बहुत अच्छा ये स्टेप है। श्री प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती माथे आज नई दिल्ली रा भारत मंडप में कार्यक्रम राख्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता तका प्रधानमंत्री मोदी कहो कि नुआ भारत रा विकास रे साथे विरासत रा भी दर्शन होवे है। वणा कहो कि G20 समिट रे जरिए नुआ भारत रा सामर्थ्य रा दर्शन हुआ। प्रधानमंत्री कहो कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण री लीलावां सु सुख रो गेलो दिखायो है। आप देखिए मध्यकाल के मुश्किल दौर में जब हार भारत को हताशा दे रही थी, तब भक्ति आंदोलन के संतों ने हमें हारे को हरि नाम, हारे को हरि नाम मंत्र दिया। इन संतों ने हमें सिखाया कि समर्पण केवल परम सत्ता के सामने करना है। सदियों की लूट से देश गरीबी की गहरी खाई में था, तब संतों ने हमें त्याग और तितिक्षा और जीवन जीकर अपने मूल्यों की रक्षा करना सिखाया। हमें फिर से ये आत्मविश्वास से भंगवा कि जब सत्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया जाता है तो असत्य का अंत होकर ही रहता है। सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। इसलिए आजादी के आंदोलन को भी
स्वामी विवेकानंद और श्रील स्वामी प्रभुपाद जैसे संतों ने असीम ऊर्जा से भर दिया था। प्रभुपाद स्वामी के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महामना मालवीय जैसी हस्तियां उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन लेने आती थी। साथियों, बलिदान देकर भी अमर होने रहने का यह आत्मविश्वास हमें भक्ति योग से मिलता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, अमृत स्वरूपाच, अर्थात वह भक्ति अमृत स्वरूपा है। आज इसी आत्मविश्वास के साथ करोड़ों देशवासी राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा लेकर अमृत काल के में प्रवेश कर चुके हैं। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2024 खातर आज अधिसूचना जारी कर दी गई है। इनके साथ ही नामांकन पत्र भरवारी प्रक्रिया भी शुरू होगी। मुख्य निर्वाचन अहलकार प्रवीण गुप्ता बताया कि निर्धारित कार्यक्रम रसारू 15 फरवरी तक नामांकन पत्र भरया जा सकेला। नामांकन पत्रा की जांच 16 फरवरी ने वेली और 20 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम पाछा ले सकेला। जरूरी हुआ माते मतदान 27 फरवरी ने सुवारे ही 9 बजा सु सिंजा शाम 4 बजा तक वेलो, मतगणना भी ई दिन सिंजा 5 बजा वेली। गौर करवा जोग है कि प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटा खातर चुनाव होनु है। ऐसी सीटा इन साल 3 अप्रैल ने खाली बैरी है। चुनाव प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में वेली। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष की आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करी है। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति की घोषणा करता तक कहो कि नीतिगत दरा में कोई बदलाव नहीं करो गयो है। रेपो दर 6.5% रेली वहां कहो कि वैश्विक आर्थिक गतिविधियां में शिथिलता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र सशक्त और मजबूत बने हुए है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो रा साझा तत्वावधान में आज बूंदी में 3 दिनारी मल्टीमीडिया नुमाइश की शुरुआत हुई। इन मुकामा ते जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, नगर परिषद री सभापति मधु नुवाल समेत कई अहलकार समेत स्कूल रा टाबर भी मौजूद रिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों खातर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम समेत दूजी होड़ारू भी आयोजन करो गयो। इन दौरान विद्यार्थियों ने केंद्र सरकार का निःशुल्क चलाई जा रही न्यारी न्यारी योजना वारी जानकारी भी दी। के द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी में हमें काफ़ी सारी योजनाओं के बारे में बताया गया है। इस प्रदर्शनी से हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होने वाले हैं। यह आने वाले युवाओं के लिए बहुत लाभकारी है। इस प्रदर्शनी में काफ़ी योजनाएं बताई गई है, जैसे कि बेटी बचाओ के बारे में, किसान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि योजनाएं बताई गई है। हमें इस कैंप के थ्रू बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई है। यह कैंप किसानों के लिए और बेटियों के लिए ऐसे और स्टूडेंटों के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसे कैंप सरकार हर कहीं लगाने का प्रयास करे। राजस्थान में कितनी योजना बताई है, उसका हमने काफ़ी लाभ उठाया है। और ग्रामीण शहर में जो ये चला रहा है उससे हमें काफ़ी लाभ हुआ है। स्टूडेंटों के थ्रू इधर उधर के जो कॉम्पिटिशन बच्चे कर रहे हैं ना, उन सबके प्रधानमंत्री जी मोदी जी की गारंटी की योजनाएं चल रही है। अभी उनकी गाड़ी भी आई हुई है, मोदी जी गारंटी गाड़ी आई हुई है। हमारे नगर परिषद के माध्यम से भी कैंप लगाए गए हैं और इन योजनाओं का अधिक से अधिक बूंदी की जनता आकर लाभ लें। फसल बीमा योजना का जो कार्यक्रम है, हमारा किसान अन्नदाता है और अगर कहीं वो लोन लेकर फसल उगाता है और उनकी फसल नष्ट हो जाए, उसके पहले अगर वो बीमा कर लेता है तो उससे उनको किसान को लाभ होगा। कार्यक्रम अच्छा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय कोटा द्वारा विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आज शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी 8 से 10 फरवरी 2024 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में भारत सरकार की विगत 9 साल की उपलब्धियों को दर्शाया गया है। इसमें यहाँ हमने 9 जोन बनाए जो अलग अलग श्रेणी के हैं, अलग अलग विषय पे हैं। इसके अलावा हाँ यहाँ वर्चुअल गेम्स भी किए गए हैं। इसके अलावा LED भी लगाई हुई है जो सरकार की योजनाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से दर्शाया गया है। समान नागरिक संहिता ने लेर जयपुर युवा अपनी प्रतिक्रिया में दीनी है। युवा मारो कहणु है कि जब सगड़ा देश में एकता समानता की बात हो रही है तो एड़ा माए समान नागरिक संहिता देश रा विकास खातर एक चोखी पहल है। मेरा मानना है कि समान नागरिक संहिता है ना, जो
देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि जब सारे देश में सारा कानून एक ही है तो फिर पूरे देश में एक ही तरीके से कानून होना चाहिए और सभी धर्मों को एक साथ एक ही कानून का फॉलो करना चाहिए, ताकि अलग अलग समाज वैमनस्यता है, जो कानून है उनकी जो क्रियाएं हैं वो एक साथ सही समय पर सही सटीक हो पाए। उत्तराखंड सरकार ने जो समान नागरिक संहिता जो लागू की है उसको हम देखते हैं पूरे देश में, तो वो एक संविधान के तहत जो देखते हैं तो पूरे देश के अंदर वो एक इक्वलिटी होनी चाहिए। हर स्टेट की गवर्नमेंट को एक इक्वलिटी ही देनी चाहिए और वहाँ समान नागरिकता संहिता का पूरा सम्मान करना चाहिए। और जो उत्तराखंड सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, कि सभी जो सब धर्म है, सभी जातियाँ, उनको समान तरीके से एक जगह पे सभी को मतलब मौका देने के लिए और सभी को अपनी आइडेंटिटी को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए इसमें मौका दिया जाएगा, तो सभी को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, ना कि इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि सही है। जो भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर में भी लोक समान नागरिक संहिता ने एक चोखी पहल बताया। वहां कहो कि इसू समाज में समानता आवेली, लोगों रो मानना है कि वो कानून सगड़ा वर्गों रा लोगों रा अधिकारों री रक्षा करे है। उत्तराखंड सरकार की ओर से हाल ही में समान नागरिकता कानून लागू किया गया है। ये कानून उत्तराखंड में रहने वाले सभी जाति धर्म वर्ण के लोगों को एक समान अधिकार देगा, जिसमें आदिवासी बहुल जैन सभी वर्ग एक समान तरह से अधिकार रहेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिकता कानून भारत के संविधान की मंशा के अनुसार कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है। सभी धर्म वर्ग और लिंग के समान रूप से कानून लागू हो, इसकी व्यवस्था समान नागरिकता कानून में है। यह शादी को लेकर, यह तलाक को लेकर, संपत्ति के बंटवारों को लेकर और बच्चों के अधिकार को लेकर समान रूप से देश में सभी वर्गों के सभी धर्मों के लिए कानून हो, ऐसा उसमें प्रावधान है, हम उसका समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो कि जल जीवन मिशन ने राजस्थान में मिशन मोड माते संचालित करो जावेलो, इनरा तहत सगड़ा पात्र परिवार ने नल सुजल देवो सुनिश्चित करो जावेलो। मुख्यमंत्री काले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ जयपुर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक करी। इन दौरान मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री सु प्रदेश रा हित में फंडिंग पैटर्न 50:50 ठोरा रियायत देता तक इन 90:10 करबारी अरज करी है। डेयरी पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोगाराम कुमावत भीलवाड़ा दौरा दौरान जिलारा सालरमाला गांव में नुआ बनया राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल रा भवन रो शिलान्यास करया। इन पचे सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करी। इन दौरान खबर ने विश्वासु बातचीत करता थका वणा कहो कि कांग्रेस सरकार रा शासन में डेयरी क्षेत्र में हुआ भ्रष्टाचार रा मामला री कड़ाई सु जांच कराई जावेली। टोंकरी बनास नदी में अवैध बजरी खनन प्रकृति और पर्यावरण खातर खतरो बनतो जा रियो है। इन्हें देखता थका पुलिस अधीक्षक राजश्री महेश्वरा ने नेतृत्व में कार्रवाई करेगी। कार्रवाई के दौरान 17 डंपर और एक लोडर ने जब्त करो गयो। इन मामला में बनेटा पुलिस थानाधिकारी की भूमिका साम आबा माते थानाधिकारी समेत दो पुलिसकर्मियों ने भी लाइन हाजिर करो गयो है। बिल्कुल, राज्य सरकार और पीएचटी के निर्देशानुसार अवैध खनन के विरुद्ध हमने जिले में अभियान चलाया हुआ है और इसी अभियान के अंतर्गत पिछले एक दो दिनों से हमारे पास सूचना आ रही थी कि बनेठा क्षेत्र में मीनू की ढानी जो गांव है उसके आसपास अवैध खनन पर अभियान चल रहा था। तो इस सूचना के आधार पर हमने एक स्पेशल टीम का गठन किया और पिछले दो दिनों से हम रेकी कर रहे थे उस एरिया की। पूरे रूट्स हमने चिन्हित किए, किस रूट से आते हैं, किस रूट से जाते हैं, किस तरह की गतिविधि चल रही है, और फिर कल शाम को स्पेशल टीम के द्वारा वहाँ पर कार्रवाई की गई लोकल थाने के साथ समन्वय करके। और उस कार्रवाई के दौरान हमने टोटल 17 डंपर और एक लोडर मौके पर से सीज किए हैं। साथ ही साथ उस एरिया में अवैध बजरी का स्टॉक करके भी रखा हुआ था, जो कि अभी फाइनल असेसमेंट तो नहीं हुआ है, बट जो अप्रॉक्सीमेट असेसमेंट है करीब 700 टन बजरी का है। माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कुछ 700 टन बजरी को सीज करने की भी प्रक्रिया अमल में लगी है। राज्य सरकार ने जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप सूरतगढ़ में एहलकारों की बैठक लीनी। बैठक में सूरतगढ़ उपखंड एहलकार संदीप काकड़ और तहसीलदार कुलदीप कस्वा समेत दूजा एहलकार मौजूद रहा। इन दौरान जिला कलेक्टर जनसुनवाई में आया प्रकरणों ने तुरंत निस्तारण कर बारा निर्देश दीना।
हमारी जो सर्विसेज हैं उनको सही रूप से मिले और हर व्यक्ति जो भी किसी भी योजना का पात्रता रखता है उसको उसका लाभ पूर्ण रूप से मिला सके। साथ ही साथ हमारी जो सरकार की जो प्रगति की जो फुर्ती है वो फुर्ती बढ़ सके। उसी क्रम के अंदर आज हम जाके 3-4 कार्यालय को देखा भी है, जनसुनवाई भी की है, जो यहाँ के लोकल मुद्दे हैं उनको समझने की कोशिश भी की है, और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं उनको भी देखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। अभी मैं फील्ड पे भी एक दो जगह लोकेशंस देखूंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या समस्या आ रही है। मूल उद्देश्य वही है कि हमारे जो योजनाएँ हैं कहीं पर उसकी कमी ना रहे। कुछ बातें खुशी की बात यह है कि हमारे जो संपर्क का जो निस्तारण है, जो सबसे बड़ा जो निस्तारण होता है, जो हमारे रेवेन्यू का होता है या पंचायत समिति का होता है, उसके अंदर काफ़ी ठीक ठाक प्रगति ठीक ठाक चल रही है। कुछ समस्याएं वाली सब पॉइंट्स भी हैं जहां पर, जैसे हमारे पेंशनर्स का जो वेरिफिकेशन है वो लगभग 8,000 का पेंडिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान माते स्वच्छ भारत अभियान के तहत 12 शहर में रात्रिकालीन सफाई अभियान की शुरुआत करेगी। इन अभियान की शुरुआत विधायक राधेश्याम बहरवा करी। इन दौरान नगर परिषद आयुक्त ब्रजेश राय, नगर परिषद सभापति ज्योति पारस प्रताप चौक माते झाड़ू लगाई। ये कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है ताकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणा से स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था और उससे देश में स्वच्छता के संदर्भ में बहुत अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, लोगों के बिहेवियर में और फील्ड में भी। उसी से प्रेरित होकर हमारे यहाँ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और अन्य जनप्रतिनिधियों के निर्देश और सहयोग से हमने ये नगर परिषद 12 में नाइट स्वीपिंग का कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ये सिलेक्टेड एरियाज़ जो मेन एरियाज़ हैं जो क्राउडेड रहते हैं वहाँ प्रारंभ किया गया है। इसके लिए हमने 3 ऑटो टिपर्स लगाए हैं। और बाकी रहा खास खबर एक और फिर। वित्त मंत्री दिया कुमारी राज्य विधानसभा में पेश करो अंतरिम बजट। प्रदेश में 70,000 पदा माते नवी भर्तियां करवारी करी घोषणा। राज्य में सरकार विकास खातर 1,500 करोड़ रुपया की करेगी घोषणा। श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती माते नवी दिल्ली रा भारत मंडप में रख्या गया कार्यक्रम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर संबोधित। कहो नवा भारत में विकास रे साथ विरासत रा भी हो गए है दर्शन। राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2024 खातर अधिसूचना जारी। नामांकन पत्र भरवारो काम हो शुरू। 15 फरवरी ताई भरया जा सकेला नामांकन पत्र। भारतीय रिजर्व बैंक चालू वित्त वर्ष री आखिरी द्विमासिक मौद्रिक नीति री करी घोषणा। नीतिगत दरां में नहीं कर्यो कोई बदलाव। और टोंकरी बनास नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस कानीसू करेगी कार्रवाई। 17 डंपर और एक लोडर करो गयो जब्त। बनेटा पुलिस थाना अधिकारी समेत 2 पुलिसकर्मी भी कराया गया लाइन हाजिर। इन साथ सिंझा 5 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई। साथ देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।